आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कंजू की, चिलबिल, कंजू, होलोपेटेलिया, इंटीग्रीफोलिया, उल्मासी का ये ट्री है और इसके विभिन्न प्लांट पार्ट जो आप देख रहे हैं, लीव्स, स्टेम और इसके सीड्स, औषधीय गुणों के लिए सभी का उपयोग किया जाता है। साथियों, मुख्यतः यह पित्त के निवारण के लिए कार्य करता है और लीवर रेमेडिएशन के माध्यम से क्या करता है कि ये फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी होती है और एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है और लीवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं और लीवर रेमेडिएशन होने के बाद स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, एक्जिमा है या सोरियसिस की जो समस्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके जो पत्र आप देख रहे हैं, पत्र का पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसका डिकॉक्शन, बार्क का डिकॉक्शन 5 ग्राम बार्क ले लीजिए और 10 से 15 ml डिकॉक्शन शहद मिलाकर सेवन कीजिए। बहुत अच्छा कार्य करता है स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, आर्थराइटिस के निराकरण के लिए, सोरियसिस की समस्या के लिए, एक्जिमा की प्रॉब्लम्स के लिए वंडरफुल रेमेडी है। इसके अलावा मित्रों, यूरोलिथियसिस की एक समस्या होती है, उसके निराकरण के लिए भी आप इसके बार्क का डिकॉक्शन सेवन कीजिए। बहुत अच्छा अपना ये कार्य करता है। किडनी डिसऑर्डर्स में भी इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी गई है। पेट में अगर कीड़े हैं या डायबिटीज़ की समस्या है तो उसके निराकरण के लिए भी आपको इसकी बार्क का डिकॉक्शन का सेवन करना चाहिए। किडनी डिसऑर्डर्स और लीवर प्रॉब्लम्स, उन सब में तो रामबाण औषधि है ही। इसके अलावा कई बार चिलबेंस की समस्या हो जाती है। चिलबेंस में क्या होता है, सर्दियों के समय उंगलियों में सूजन हो जाती है, तो उंगलियों की सूजन जो होती है वो ऐसा कहते हैं कि शरीर की जो प्रकृति है वो उसके डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा होता है, तो उसके लिए आप इसकी पत्रों का डिकॉक्शन बनाकर लूकवार्म स्थिति में अगर डिकॉक्शन जब रहता है तो उस समय अपनी उंगलियां आप उसमें डिप कर लीजिए और 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि उंगलियों की जो सूजन है, जिसको चिलबेंस कहते हैं, वो रिमूव हो जाती है। मित्रों, ब्लड प्यूरिफिकेशन, लीवर रेमेडिएशन, किडनी रेमेडिएशन, इन सब के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी अपनी शो करता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है। साथ ही साथ कई बार लैक्टेटिंग मदर्स में यह दुग्ध को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि यह मानसिक लेवल पे भी अपना कार्य करता है। ये तनाव को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, डिप्रेशन की स्थिति से बचाता है और यह हॉर्मोन्स के लेवल पे भी कार्य करता है। हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके तनाव को दूर करता है। तनाव के दूर होने के बाद बॉडी के जो हॉर्मोन्स के डिसरेगुलेशन से जो समस्याएं तैयार होती हैं उनका भी ये आसानी से निराकरण करता है। तो मैं कहूँ ये वंडरफुल इम्यूनागोग भी है, ये वंडरफुल गैलेक्टोगोग भी है, ये वंडरफुल मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी है। इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो सीड्स आप देख रहे हैं, उन सीड्स के अंदर से तेल को निकाला जाता है, तेल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और उस तेल की मसाज हम लोग आर्थराइटिस के लिए, रूमेटिज्म की समस्या के निराकरण के लिए और स्किन प्रॉब्लम्स के निराकरण के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उस तेल के अंदर एंटी फंगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई फंगल ग्रोथ हो, फंगल कोई इन्फेक्शन हो या फिर कई बार फंगल इन्फेक्शन के कारण एलोपीशिया की समस्या भी हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, उसको भी यह आसानी से दूर करता है। तो मैं कहूँ इसकी बार्क, इसके सीड्स, इसके कोमल पत्र सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है। बहुत ही सेफ प्लांट है, इसको आप जानिए, इसको देखिए, इसको पहचानिए और अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। मित्रों, मार्च के महीने में ये सीड्स पूरी तरह से पक जाते हैं और इनके अंदर जो बीज निकलते हैं इसको आप खा भी सकते हैं, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छा ये अपना कार्य करते हैं। प्रोपेगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं सीड से नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसके अंदर कई मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है जो बॉडी को नरिश करने का कार्य करते हैं। वंडरफुल एडेप्टोजन का भी ये
कार्य करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स की शरीर में रेगुलेट करके कमी को दूर करते हैं। बहुत अच्छा ये एडेप्टोजन का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनसे तेल भी तैयार किया जाता है। उस तेल का आप स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम के लिए, आर्थराइटिस की समस्या के लिए, हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सेफ रेमेडी है ये। जो जानकारी है आप इसको मित्रों के साथ, साथियों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम, धन्यवाद।